किसान मित्रों, पटेल फार्मर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि प्याज के बीज की खेती किस तरह की जाती है और प्याज के बीज की खेती करने में हमें कितना खर्च आएगा और ये खेती करने से हमें कितना लाभ भी मिलेगा। किसान मित्रों, इस समय हम मार्केट से जब कोई भी कंपनी का बीज खरीदते हैं तो हमें 3 से लगाकर 4 हज़ार रुपये किलो के बीच में मिलता है, जो कि हमारा एक बीघा का खर्च अगर जोड़े तो 2.5 से 3 किलो बीज लगता है और इसमें हमारी लागत लगभग बीज की ही 10 से 15 हज़ार तक लग जाती है। इन सब खर्च को कम करने के लिए मित्रों, हम अपने घर पर ही घर का बीज तैयार करने की कोशिश करें तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले किसान मित्रों, हमें अच्छी क्वालिटी के 60 से 70 ग्राम के प्याजों को लेना है, जो कि लगभग एक कलर, एक साइज और अच्छी क्वालिटी के दिखे। इनको हमें 1/3 या 1/4 भाग को ऊपर से काट देना है और इन प्याज को हमें ज़मीन के अंदर अपने खेतों को जो तैयार किए हैं हमने, उनके अंदर 1 फीट की दूरी पर और क्यारी से क्यारी की दूरी 2 फीट पर इनको बोना है। बोने से पहले हमें इन्हें अच्छी तरह उपचारित भी करना है। उपचारित करने के लिए हम इन्हें कार्बेंडाजाइम या मेनकोजेब के घोल में 10 से 15 मिनट डुबो कर रखेंगे, जिससे इनका उपचार हो जाएगा। किसान मित्रों, ज़मीन को हमें तैयार करने से पहले इसके अंदर सड़ी हुई गोबर खाद हो तो वो डाल देनी है, नहीं तो DAP और सुपर उड़ाकर इसको अच्छी तरह से हकाई जोपाई करके क्यारियाँ बना लेनी है। किसान मित्रों, खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें इसमें पहले ही पेंडी मिथाइलिन नाम की दवाई का स्प्रे कर देना, जिससे कि खरपतवार उग ही ना पाए। किसान मित्रों, जब हमारी फसल 20 से 35 दिन की हो जाए, उस अवस्था में हमें इसमें कुछ कीटनाशक दवाइयों का और फंगिसाइड्स और रासायनिक उर्वरक, घुलनशील उर्वरक का भी स्प्रे कर देना है। ये देख सकते हो दोस्तों, हमारी फसल जब 20 दिन की अवस्था की होती है या 30 दिन की अवस्था की होती है तो कुछ इस तरह दिखाई देती है। जब हम पौधों को ऊपर से 1/3 या 1/4 काटते हैं तो हमारे पौधे कुछ इस तरह अधिक संख्या में कल्ले लेते हैं, जिससे कि हमारे फूलों की संख्या अच्छी और ज़्यादा होगी। ये आप लोग वीडियो में देख सकते हो दोस्तों। और इस तरह हमने पौधे से पौधे की दूरी भी बिल्कुल एक समान रखी है, जिससे कि इनके अंदर निंदाई गुड़ाई भी अच्छी हो सके। आप देख सकते हो दोस्तों, हमने पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और क्यारियों से क्यारियों की दूरी 2 फीट रखी है। इस अवस्था में हमने घुलनशील उर्वरक 19:19 का स्प्रे किया है। इस अवस्था में हमारे पौधे, जब ये फसल आप जो देख रही है हमारी 2 महीने की हो चुकी है दोस्तों, इसमें अब हमें सिंचाई का भी ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। जब पौधों के अंदर फूल निकलते हो, इस अवस्था में हमें सिंचाई पर ध्यान जरूर देना है। सिंचाई समय पर होगी तो फूलों की संख्या अधिक होगी और फूलों की साइज बड़ी होगी। पौधों के अंदर जब फूल निकल जाए तो इनके अंदर पर परागण की क्रिया होती है। इसके लिए जो दोस्तों, हमें अपने खेतों के आसपास कुछ फूल वाले पौधे, जो जैसे कि धनिया बो सकते हैं, गाजर के कुछ पौधे बो सकते हैं, जिससे कि उनके ऊपर आने वाले कीट उड़कर इन पौधों के फूलों पर भी आए, जिससे कि इनके अंदर पर परागण की क्रिया बहुत अच्छी होगी, जिससे कि हमारे पौधों का विकास, फल बनने का जो विकास है वो तेज़ी से होगा और हमारा उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। किसान मित्रों, जब हमारे पौधे के अंदर बीज बन जाएंगे तो हम आगे वीडियो में बताएंगे कि बीजों की हार्वेस्टिंग किस तरह की जाती है और किस तरह इन बीजों को हम स्टोर कर सकते हैं और किस तरह हमें इन बीजों को सुखाना है। दोस्तों, वीडियो पर दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे किसान मित्रों को शेयर भी कीजिए। जय जवान, जय किसान दोस्तों।